वाराणसी रिंग रोड की एक और अपडेट में आप सभी का स्वागत है। ये रिंग रोड है 57.3 किलोमीटर लंबी, जिसकी स्टार्टिंग होती है राजा तालाब के पास NH2 से। हरहुआ संधा होते हुए गंगा रिवर को क्रॉस करने के बाद में एंडिंग होती है रेवासा गांव के पास में NH2 यानी NH19 पे जाके। इस रिंग रोड का राजा तालाब से लेकर संधा तक का स्ट्रेच ऑपरेशनल है। संधा से लेकर रेवासा गांव तक फेज 2 पैकेज 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज 2 का पैकेज 2 है तकरीबन 27 किलोमीटर का। आज हम 121 दिनों के बाद में यानी 4 महीनों के बाद में इसी की प्रोग्रेस देखने वाले हैं संधा साइड से। ओके, तो ये है संधा के पास में रिंग रोड चौराहा। यहाँ पे आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो, ये आता है रिंग रोड के फेज 2 पैकेज 2 में। सामने की साइड में है NH31 का वाराणसी गाजीपुर सेक्शन। रिंग रोड का ये फ्लाईओवर पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुका है। आगे की साइड में देख सकते हो अप्रोच रोड के ऊपर DBM का काम हो चुका है, जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। फ्लाईओवर की दूसरी तरफ की अप्रोच रोड का काम अभी पेंडिंग है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के कारण काम पेंडिंग है। आगे की साइड में तो आप देख सकते हो मेन कैरिजवे का काम पूरा हो चुका है और इस पैकेज में आपको साइड में सर्विस रोड भी मिलेगी। आगे की तरफ यहाँ पे फ्लाईओवर स्टार्ट होने से पहले देख सकते हो एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलेगा आपको सेम फ्लाईओवर के दूसरी वाली साइड में भी। इस फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अभी सिर्फ DBM का काम ही हुआ है। सेम अगले फ्लाईओवर के ऊपर भी। इस फ्लाईओवर से आगे की साइड में मेन कैरिजवे और लेफ्ट साइड की सर्विस रोड के ऊपर लेन मार्किंग का काम हो चुका है। आगे की साइड में गंगा रिवर से पहले ये जो लास्ट फ्लाईओवर है इसकी इस साइड की अप्रोच रोड के ऊपर DBM वर्क हो चुका है, जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में गंगा रिवर तक मेन कैरिजवे का काम पूरा हो चुका है। तो ये था पीछे का एरिया जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। यहाँ तक हो चुका है मेन कैरिजवे का काम। यहाँ से आगे की साइड में अर्थवर्क का काम पेंडिंग है, जो काफी अभी किया जाना है। रिवर से पहले यहाँ पे पियर रेडी हो चुके हैं विद कैप। आगे की साइड में अभी सिर्फ राइट साइड के ही पियर रेडी हुए हैं, इसीलिए राइट साइड का ही ब्रिज रेडी किया जा रहा है। प्रीवियस अपडेट इस पॉइंट की ये थी। तो देख सकते हो प्रीवियस अपडेट में यहाँ पे पियर रेडी नहीं हुए थे पूरी तरीके से।
रिवर को क्रॉस करने के बाद के पियर्स अभी रेडी किए जाने हैं और वहाँ से आगे की साइड में मेन कैरिजवे का काम पेंडिंग है। रिवर क्रॉस करने के बाद मैं तकरीबन 16 किलोमीटर की अपडेट में आप लोगों को इस बार भी नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि समय की कमी होने के कारण मैं इस साइड में नहीं जा पाया था। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं NH-19 के साथ में इस साइड में जो ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है वहां से लेके यहां पे जो इंडियन रेलवे की लाइन है यहां तक की अपडेट। तो इंटरचेंज के लूप्स के ऊपर DBM का काम हो चुका है जो प्रीवियस अपडेट में नहीं हुआ था। यहाँ पे बस स्ट्रक्चर्स के ऊपर DBM का काम पेंडिंग है। आगे की साइड में आने के बाद में ये आ जाती है इंडियन रेलवे की लाइन और EDFC। यहाँ पे रेलवे ओवर ब्रिज के लिए पियर रेडी हो चुके हैं विद कैप जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुए थे। अब पिछले 4 महीनों की प्रोग्रेस की बात की जाए तो डिसेंट काम ही हुआ है, ऐसी कोई मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई है। पैकेज 2 को रेडी होने में अभी मिनिमम 1 साल लगने वाला है गंगा रिवर ब्रिज के कारण, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी काम किया जाना है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।